लगातार चार अटैम्प्ट दिए हैं मैंने, और चार अटैम्प्ट में ही मैंने मेंस लिखा है, और एक 2017 मेरा इंटरव्यू कॉल भी आया था। तो इस दौरान मेरे घर वालों को बहुत उम्मीद थी कि 17 में मेरा चयन हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो उस दौरान घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आप प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। आयोग आपने क्या पढ़ा है ये नहीं देखता है, आयोग ये देखता है कि आपने लिखा क्या है, और आपकी लेखन शैली में सुधार तब आएगा जब आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिन लोगों का इंटरव्यू है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अपने डेप्थ पे और करंट पे अच्छा ध्यान दीजिए। जो प्री का जो एग्जाम है वो मेंस से अलग नहीं है। आप यदि मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह रह जाते हैं वो आपको प्री में प्रिपेयर करने होंगे। टेस्ट वाला अकेडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जो लोग गाँव के हैं या गाँव में रहते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं मध्य प्रदेश के, वो इंदौर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है टेस्ट वाला अकेडमी के द्वारा कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है इस प्लेटफॉर्म पर तैयार करवाया जा रहा है। मेरे मित्र लोग भी हैं इसमें जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने, कुछ लोग चयनित लोगों की एक टीम है। MPPSC के जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं इस तैयारी के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार आपका मन नहीं लगता है फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है, और जैसे ये MPPSC की जो परीक्षा है बहुत ही टाइम टेकिंग परीक्षा है, तो इसमें आपको पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस दौरान आपको स्ट्रेस आता है, उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, और आपको कई बार आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। कई बार आपके टेस्ट सीरीज में उतने नंबर नहीं आते जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों और चुनौतियों से आपको लड़ना पड़ता है, फिर जाके आप इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे जैसे करते जाते हैं तो हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं मानता हूँ, जैसे मेरी तो हॉबी योगा रही है, मैं जब प्रतिदिन 10-15 मिनट योगा करता रहता हूँ तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता था। सुबह या शाम में जाके पार्क में जाके योगा करता था, मेडिटेशन उसका एक बेहतर पार्ट होता है जिससे कि आपको रिलैक्स महसूस होता है, तो इसके द्वारा मैं मेडिटेट। और इसमें ये पड़ता था, मैं अपनी मम्मी से भी बात किया करता था जिससे मुझे अच्छा, मतलब बहुत सारी गतिविधियाँ किया करता था जिससे कि अच्छा लगे, और अपना जो टारगेट था उसको टारगेट को पूरा करने की कोशिश करता था जिससे स्वाभाविक रूप से आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। PSC का जो सिलेबस है बहुत ही लेंदी सिलेबस है, इसको आप ऐसे बुक वगैरह से पढ़ेंगे तो बुक ही बहुत ही लेंदी हो जाती है, पेपर के टाइम पे आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक तो स्वाभाविक सी बात ये होती है कि आपका मन लगने लगता है पढ़ने के लिए, और दूसरा आप जब नोट्स तैयार कर लेते हैं और नोट्स एग्जाम के एक दिन पहले या दो दिन पहले आप रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाता है, जिससे आपके जो फैक्ट हैं MPPSC की जो परीक्षा है उसमें क्या होता है कि टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी फैक्ट आपके दिमाग में आए इसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, जिससे कि आप बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए कोई लेंदी सब्जेक्ट है यदि और आपको वो सारे नोट्स एक जगह अवेलेबल हो गए हैं तो उनके नोट्स बनाना मैं नहीं मानता, उनका नोट्स बनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जो अलग अलग जगह बिखरे हुए नोट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो। जैसे आपको लगता है कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, तो इनके आपके जो कीवर्ड होते हैं या जो हेडलाइन होती है उनको आप एक सिस्टमेटिक वे में लिख के बुलेट पॉइंट के रूप में करके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और एक अपना ऐसा एक वो बना लीजिए डायग्राम या फ्रेमवर्क टाइप का कि जो वो फ्रेमवर्क आप अपने दिमाग में या नोट्स में बनाते हैं वही आपको एग्जाम में बना के आना है। मतलब मेरा फ्रेमवर्क का मतलब डायग्राम वगैरह से है कि आप कौन सा फ्लो चार्ट यूज करेंगे। पूरी तैयारी का मैं ये मानूंगा कि आप जितना पढ़ते हैं वो तो एक अलग एक विषय है, क्योंकि कई लोग पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आयोग आपने क्या पढ़ा है ये नहीं देखता है, आयोग ये देखता है कि आपने लिखा क्या है, और आपकी लेखन शैली में सुधार तब आएगा जब आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए आप सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि आप जो भी टेस्ट सीरीज चयनित करते हैं पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ईमानदारी के साथ अपना टेस्ट दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, साथ में आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा क्या हुआ था, मेरे 50 या 55 के आसपास से नंबर बढ़ना स्टार्ट हुए थे, तो मुझे धीरे धीरे लगता था कि अभी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आप एक टारगेट बनाइए कि ये 5-5 नंबर का टारगेट बना के लेंगे, 80-90 नंबर तक जाना है, तो ये आपको टेस्ट सीरीज के द्वारा ही सीखने को मिलेगा। और टेस्ट सीरीज को आप ईमानदारी पूर्वक दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी मान लो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है तो वो सोचते हैं इस सर्किल को छोड़ देते हैं अगले सर्किल में करेंगे, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे टेस्ट करना छोड़ना आदमी स्टार्ट कर देता है तो वो धीरे धीरे हैबिट में आ जाता है। ऐसा नहीं करें, मतलब डे वन से ही आप टेस्ट लगाना स्टार्ट करें, और पूरी टेस्ट सीरीज में आप यदि अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो ये लगभग तय ही होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अपना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, एक डायरी मेंटेन करें कि इस टेस्ट में मुझे कम नंबर क्यों आए, कहाँ पर मुझे वर्क करना है, ऐसा कुछ करेंगे तो जरूर टेस्ट सीरीज का लाभ जरूर होता है।
2019 में मैंने लगभग 2 या 3 टेस्ट सीरीज दी हैं, 20 में मैंने 2 टेस्ट सीरीज दी थी, एक भी टेस्ट मैंने स्किप नहीं किया था। एक आध टेस्ट कभी एमए का एग्जाम आ गया था बीच में तो स्किप किया होगा, नहीं तो बीच में मैंने कोई टेस्ट स्किप नहीं किया। 2 टेस्ट की टेस्ट सीरीज को यदि आप मैनेज कर पा रहे हैं और अपने टाइम के अनुसार चल पा रहे हैं, स्ट्रेस भी नहीं आ रहा है, तो आप 2 दीजिए। लेकिन मेरा पर्सनली व्यू है कि 2 टेस्ट सीरीज से बेहतर है कि आप एक ही टेस्ट सीरीज दीजिए और उसमें जो कमियां हैं उसमें सुधार लाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा, आप पे एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आएगा और आप तय समय में अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे और बेहतर तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। 2 की जगह एक टेस्ट सीरीज ज़्यादा बेहतर रहेगी। मेरा जो वोट था वो माननीय मेहरा सर का वोट था, जो अभी वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके द्वारा जैसे मेरा जो एमए के जो सब्जेक्ट है, एमए में मैंने अपना हिस्ट्री से अपना किया है, तो हिस्ट्री के बारे में अकबर के बारे में पूछा गया था मेरे से, और अशोक के बारे में पूछा, टीपू सुल्तान वगैरह इनके बारे में क्वेश्चन किए गए थे, अध्यात्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, योग से रिलेटेड भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, योग में योग क्या है, योग के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान क्या है, आप ध्यान को कैसे करते हैं, कितनी प्रक्रियाएँ होती हैं, इन सब के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा इकोनॉमी के और करंट के भी कुछ मुद्दे मेरे से मतलब मुझसे पूछे। सामान्य आयोग द्वारा आपको जब बोर्ड में बुलाया जाता है तो बोर्ड का माहौल बहुत ही सकारात्मक होता है, उनका बिल्कुल भी रूप आपके प्रति नकारात्मक नहीं रहता है। मॉक में क्या होता है, कई बार आपको नेगेटिव व्यूज दे दिए जाते हैं तो कभी कभी आपको डिमोटिवेट सा फील होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो अकेडमियाँ मॉक कंडक्ट करवाती हैं वो आपके चयन में कहीं ना कहीं सकारात्मक रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आप जब वहाँ पर जाके बोलना स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक नर्वसनेस दूर होती है सबसे पहले तो। और यदि आप कहीं मॉक देने जा रहे हैं तो मॉक में क्या होगा, आपको पॉजिटिव रिव्यू भी मिलेंगे, नेगेटिव रिव्यू भी मिलेंगे। पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं तो उनको आप सुनिए अच्छे से, उनको बनाए रखिए, और नेगेटिव रिव्यू मिलते हैं तो उनमें से एक दो आपको लगता है कि हाँ ये रिव्यू थोड़ा सही है, उसको आप ले लीजिए और उस पर वर्क कीजिए। और बाकी यदि ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिल रहा है तो उनको बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अपने पॉजिटिव रिव्यू पर रहिए और आपका जो रियल कैरेक्टर है उसको आप बनाए रखिए। आयोग आपके रियल कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल रहता है वो आपको बिल्कुल चिंट फील कराते हैं। आप जाएंगे, आयोग आपको एंट्री देगा, मतलब आप जैसी बोर्ड में जाएंगे तो आपका स्वागत करेगा कि आइए अंदर आइए, आपकी जो फाइल रहेगी आपको डेस्क पर रखवाएंगे और आपसे पूछ लेते हैं वो बाकायदा कि आप तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो वहाँ पर बहुत सकारात्मक माहौल रहता है। और लोग की अपेक्षा तो मतलब डिफरेंट ही थोड़ा माहौल रहता है उनका। 19 का भी मैं इंटरव्यू के लिए मॉक के लिए प्रिपेयर कर चुका था, तो मैंने 19 के दौरान ही काफ़ी मॉक दे दिए थे, तो लगभग मैंने 2020 के लिए भी 6 या 7 मॉक दिए होंगे, 7 या 8 के आसपास, 6, 7, 8 के आसपास मॉक रहे होंगे। तो इस मॉक के दौरान मैंने क्या देखा था, मतलब मैंने ऐसा अपनी तरफ से जो काम किया था, मैंने अपने डेफ फॉर्म को 3 या 4 भागों में डिवाइड किया था। एक तो आपका जो पर्सनल डेटा था कि आपका नाम क्या है, कौन से जिले से हो, इसकी पूरी जानकारी एकत्रित करनी, एक डायरी मेंटेन की थी इसके लिए। फिर इसके बाद आप जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन था इसको अलग कवर किया था, एक और अपना जो हॉबी वाला पोर्शन था उस पर भी ध्यान दिया। मतलब मैंने यदि ओवरऑल देखा जाए तो अपने डेप पे लगभग 80% काम किया था, करंट पे 20% काम किया था, तो मुझसे करंट का भी लगभग एक आध क्वेश्चन ही पूछा गया था, और बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे डेप से ही थे पूरे से पूरे क्वेश्चन, और जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे हॉबी पे थे और आपने जो एमए किया था उससे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे आप यदि अपने डेप को 3-4 भाग में डिवाइड करके करते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं इसके साथ तो हो जाता है। जब मेरा 2020 का इंटरव्यू आया तो मैं ज़्यादातर ध्यान अपने करंट अफेयर की ओर ध्यान दे रहा था, मतलब अपने डेप पर मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस तैयारी के दौरान मुझे जो IDA के CEO हैं वर्तमान में श्री RP अग्रवाल जी, उनका बहुत ही योगदान रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी डेप पर ध्यान दीजिए, 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और मैंने देखा भी लगभग जितने भी लोगों का इंटरव्यू हुआ था, 70 लगभग मोस्टली का डेप से ही पूछा गया था। तो मतलब इस जर्नी में उन्होंने मुझे बताया था, और जितने भी मॉक अकेडमियाँ हैं उन्होंने भी मुझे थोड़े थोड़े रिव्यू दिए थे कि इसके साथ आप ऐसे ऐसे करिए, ये कमी है, मैंने उन पर वर्क किया तो इससे मेरा हो गया था। और बाकी चंद्रशेखर का भी बहुत योगदान रहा है, मेरे जो छोटे भाई हैं वो हमेशा मतलब मोटिवेट करते थे कि मतलब मैंने एक कैमरा लिया था, उस कैमरे पे वो बताते थे कि भैया आपकी ये कमियां हैं और आप इन पे काम कीजिए। और जैसे डेप से कोई क्वेश्चन पूछना, आप टीकमगढ़ जिले से कोई क्वेश्चन है तो वो ऐसे पूछते रहते थे, जैसे मान लो जैसे मेरे यहाँ पे राई वगैरह होती है तो वो बोल देते थे चलते चलते नाला कंडा आपको सुनाइए, मंत्र वगैरह वो पूछते रहते थे। तो मैंने देखा था कि मतलब जो रेंडम क्वेश्चन जो मेरे भाई द्वारा, चंद्रशेखर द्वारा और भाई साहब द्वारा पूछे गए,
तो बहुत से क्वेश्चन सिमिलर ऐसा लगा कि मतलब आपके उसी क्षेत्र से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपसे रिलेट कर रहा है, जैसे जिले से पूछ लिया और आपसे सरस्वती से हो तो मंत्र वगैरह पूछ लिया, ऐसा पूछ रहा था। से माननीय आयोग द्वारा कोई विशेष वेशभूषा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन आप जो भी एक सिविल सर्वेंट से अपेक्षा की जाती है तो आप एक फॉर्मल कपड़े पहन के जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें जैसे मेल कैंडिडेट हैं तो वो आपने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट या ब्लू पैंट का जो भी अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, और ब्लेजर उसमें आपको लगता है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो ब्लेजर का आप उसको लेके चल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था कि सिविल में जब मैं गया था तो मैं ब्लेजर पहन के गया था, तो मुझे लगा था कि कॉन्फिडेंस लेवल इससे बूस्ट होता है, तो मैं पहन के गया था तो मुझे अच्छे नंबर ही मिले हैं उसका। और यदि और फिर दूसरे में मैं गया था तो ब्लेजर नहीं भी पहन के गया था तो उसमें भी मुझे अच्छे नंबर मिले। तो मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि आपको यदि सूटेबल लगता है तो ब्लेजर पहनिए, और नहीं लगता है तो ब्लेजर मत पहनिए। वो पूरा का पूरा खेल आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का होता है। यदि आपका कॉन्फिडेंस ब्लेजर में बढ़ता है तो पहन के जाइए, और यदि नहीं बढ़ता है तो आप वैसे जाइए, मतलब वो आपके ऊपर निर्धारित करता है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो उनके लिए प्रॉपर साड़ी वगैरह का, मतलब मैं गया था तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, मतलब जो वहाँ पे बैठी हैं जो फीमेल कैंडिडेट, वो सब साड़ी वगैरह या सूट वगैरह पहनते गई। जिन लोगों का इंटरव्यू है, मतलब मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अपने डेप्थ पे और करंट पे अच्छा ध्यान दीजिए, और आपका जो मेंस है, मेंस तो बेहतर रहा ही है, लेकिन इंटरव्यू को भी आप उतना ही सीरियस लीजिए, क्योंकि आयोग के नंबर जो होते हैं, इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं, वो आपकी जो रैंक होती है उसको डिसाइड करने में बहुत योगदान करती है। कहीं आपको 150 नंबर मिल जाते हैं तो आप एक बार में डीसी बन जाते हैं, कई बार आपके मेंस में अच्छे नंबर होते हैं और आपको यदि कम मार्क्स मिल जाते हैं तो आपको एमबीबीएससी की जो सबसे लोअर पोस्ट होती है वो मिल जाती है। तो चूंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं और सब कुछ आप बेहतर कर ही रहे हैं, तो मेंस के साथ साथ आपको इंटरव्यू पे पर्सनालिटी पे अपने सुधार का ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स वहाँ आयोग में मिल सके। और यदि आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी सर्विस के लिए भी अच्छा ही होगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो मेंस से अलग नहीं है। आप यदि मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कुछ फैक्ट वगैरह रह जाते हैं वो आपको प्री में प्रिपेयर करने होते हैं। तो उसके लिए आप पहले तो बेहतर तरीके से मेंस पढ़िए, वहाँ कॉन्सेप्ट अपना पूरा दीजिए, उसके बाद जब आपको 2 महीने का टाइम जो प्री के लिए होता है फिर उसमें आप पूरा फोकस अपने प्री पर दीजिए। आपकी जो यूनिट हैं, आपका जो सिलेबस है उसको लाइन टू लाइन कवर कीजिए, पूरे यूनिट्स को, करंट अफेयर को कवर कीजिए। जैसे एमपी वाला पोर्शन है, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इसको पहले ध्यान दीजिए। करंट के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इन पर ध्यान दीजिए। और इसके साथ साथ एक और एक रणनीति टाइप की होती है प्रीलिम्स निकालने की, कि आपको जो आता है ना, मतलब मेरा जितने भी जो दोस्त रहे हैं या जिनसे भी मुलाकात हुई है मेरी, तो उनका चयन जो क्वेश्चन उनको नहीं आते थे इसके कारण नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको जो क्वेश्चन आते थे वो उनको गलत करके आए हैं, इसलिए उनका चयन नहीं हुआ है। तो मतलब मेरा सभी से यही हो रहेगा कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप 100% तक सही टिक कर जाइए, आपका चयन हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से होगा। और इसमें टेस्ट सीरीज भी देते रहिए, टेस्ट सीरीज 2 घंटे की होती है तो 2 घंटे प्रॉपर बैठ के दीजिए, आधा घंटे में टेस्ट सीरीज कवर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फिर वो आपको जो रूटीन में आ जाता है तो वो वहाँ पे भी वही माहौल रहता है, तो आपको फिर वो दिक्कत आ जाती है वहाँ पर।